हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में आज हम पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल लाइंस क्या होती है और उन पे जो बनने वाले एंगल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जो, जैसे एक लाइन हमने ले ली ए बी, दूसरी ले ली सी डी, इनके बीच का पैरेलल लाइंस के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर, सेम सेम प्लेन, बट ये सेम प्लेन पे होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने जैसे दो ये एक समझो ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है, अगर ये ऐसे ली है तो ये मीट तो कभी भी नहीं करेंगी, बट ये सेम प्लेन पे नहीं है। सेम प्लेन पे अगर ये होंगी तो ये पैरेलल लाइन है, सेम प्लेन पे होनी चाहिए और उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। Parallel lines are those lines which never meet each other, but ये same plane पे होनी चाहिए। जैसे AB और CD ये दो parallel lines हैं। और अगर हम इसको इनके बीच में एक line और draw कर दें, ये, तो इसको क्या बोलेंगे? Transversal। इसको भी हम नाम दे सकते हैं। ABCD जैसे इसका नाम है, तो इसका नाम हम दे देते हैं EF। तो EF इस पे AB CD जो पैरेलल लाइंस है उस पे ट्रांसवर्सल बन गई, जिसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। जो ट्रांसवर्सल लाइन बनी है, यहां पर एंगल बन गया, यहां एंगल बन गया, यहां यहां ये चार एंगल हो गए, यहां 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 ये चार एंगल बन गए। इनको अब हम नाम दे देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। मैं इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। ये थोड़ा छोटा है, मैं दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करती हूँ। ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे, ए बी सी डी, दीज टू पैरेलल लाइंस एंड दिस इज ट्रांसवर्सल ई एफ, एंड इससे एंगल बन रहे हैं यहां पे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 1 2 3 4, और यहां पर चार एंगल बन रहे हैं, 5 6 7 8, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो अब हमें पता है इस पे जो एंगल है, कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से हैं? क्या आपको पता है कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल्स वो होते हैं जो सेम साइड पे हो। जैसे एंगल 1 सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे एंगल 1, एंगल 5 सेम साइड पे है और सेम जगह है, तो एंगल 1 और एंगल 5 कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया। यहां पर एंगल 4, एंगल 8 कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया, और नेक्स्ट 3 और 7, 2 और 6 ये कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया। कोरस्पोंडिंग एंगल कौन कौन से हो गया? जो सेम साइड पे होते हैं, जैसे एंगल 1 सेम जगह यहाँ पे है, एंगल 5 ये इस पैरेलल लाइन के यहाँ पे है, मतलब जहां सेम जगह पे जो होते हैं, सेम डायरेक्शन में, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, इधर एंगल 4, एंगल 8 और इधर एंगल 3, एंगल 7, ये क्या है? कोरस्पोंडिंग एंगल। दूसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर होते हैं जो अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ कौन कौन से हैं? एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 8, ये अंदर है, इंटीरियर में है, तो ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट वो होते हैं जो एक ही लाइन पे हो बट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे एंगल 2 और एंगल 8, ये इंटीरियर तो ये चारों है, बट अल्टरनेट क्या होगा? एंगल 2, एंगल 8 ये अल्टरनेट हो गए, एंगल 3 और एंगल 5 ये अल्टरनेट हो गए। एंगल 2 इज इक्वल टू, एंगल 2 किसके अल्टरनेट है? एंगल 8 के अल्टरनेट है, और एंगल 2 एंगल 8 के, एंगल 3 किसके अल्टरनेट है?
एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो बाहर होते हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जैसे एंगल वन, एंगल वन इस लाइन के ऊपर है बाहर की तरफ, और इधर एंगल सेवन, और एक्सटीरियर इधर फोर और इधर सिक्स. दीज आर एक्सटीरियर. एंगल वन किसके इक्वल है? एंगल सेवन के इक्वल है, एंगल फोर और एंगल सिक्स के इक्वल. दीज आर एक्सटीरियर. इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. जो इंटीरियर एंगल है और सेम साइड ट्रांसवर्सल के, जैसे एंगल टू एंगल फाइव, ये इंटीरियर है और सेम साइड पे है, तो ये क्या होगा, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है. इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है. तो एंगल टू एंगल फाइव, एंगल टू प्लस एंगल फाइव, दोनों का सम 180 डिग्री होगा. दीज आर इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. इसी तरह एंगल थ्री और एंगल एट, एंगल थ्री प्लस एंगल एट, इनका सम भी 180 डिग्री होगा. इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. उसके बाद है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जैसे एंगल वन एंगल थ्री, ये वर्टिकली ऑपोजिट है. एंगल टू एंगल फोर, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो. एंगल सेवन फाइव और सेवन वर्टिकली ऑपोजिट हो गए. एंगल एट और सिक्स, ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गए. नेक्स्ट है लीनियर पेयर. लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर वो होता है जो अगर दोनों एंगल को ऐड करें तो उनका सम 180 डिग्री आएगा. जैसे 1 और 4, ये एक लीनियर पेयर बन रहा है. तो 1 और 4 एंगल 1 प्लस एंगल 4, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. इसी तरह 1 और 2, ये भी लीनियर पेयर है, इन दोनों का सम ये भी 180 डिग्री होगा. इस तरह 7 8 है, 8 5 है, 7 6 है, 5 6 है, ये सारे लीनियर पेयर है, इनका सम 180 डिग्री होता है. तो आज आपने क्या क्या पढ़ा? पैरेलल लाइंस और उनपे बनने वाले एंगल्स के बारे में. तो एक बार क्विक रीजन फिर से कर लेते हैं. पैरेलल लाइन क्या होती है? दो लाइन जो सेम प्लेन पे हो और कभी भी मीट ना करे. और पैरेलल लाइन को जो कट करती है वो होती है उनकी ट्रांसवर्सल. और ट्रांसवर्सल पे एंगल जो बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? जो सेम साइड पे होते हैं. जैसे एंगल वन एंगल फाइव, ये सेम साइड पे है. एंगल फोर एंगल एट, ये जो सेम साइड पे एंगल बनते हैं वो कोरिस्पोंडिंग एंगल होते हैं. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो अंदर की तरफ होते हैं बट अल्टरनेट डायरेक्शन में होते हैं. जैसे 2 और 8, 3 और 5 है अंदर बट अल्टरनेट है. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल वो होते हैं जो बाहर है बट ऑपोजिट है. जैसे 1 और 7, 4 और 6. और जो इंटीरियर एंगल होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, these are supplementary angle. 2 or 5, 3 or 8. angle 2 or angle 5, ये दोनों supplementary angle है, और 3 or 8. and interior angle on the same side of transversal are supplementary. और opposite, vertically opposite angle कौन से हो गए? angle 1, angle 3, angle 2, angle 4. these are vertically opposite. angle 8 and angle 6 are vertically opposite. angle 5 and angle 7 are vertically opposite. linear pair 4 or 1. ये एक स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो एंगल 1 और एंगल 4 दोनों का सम 180 डिग्री होगा. इसी तरह एंगल 3 2, एंगल 1 2, एंगल 3 4, ये सारे 180 डिग्री.